गुड मॉर्निंग और राम राम दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। हमने 5 बजे हाथ मुंह धो लिया था, लेकिन फिर सोचा कि जाएंगे जिम वगैरह या घूमने के लिए, फिर गए नहीं हम। तो फिर उसके बाद हम सो गए, अब उठे हैं 6 बजे फिर फाइनली तैयार हो गए, जैसे तैसे मन बनाई लिया हमने जाने के लिए। वैसे 4 बजे उठते थे, शिवा हमारा सबसे पहले बोलता था कि मैं जाऊंगा, और आज वही नहीं आया। भाई लंबी रेस करके अब आ गए घर। हम लंबी रेस के घोड़े हैं, और हैं खाना नहीं। आज हमने कितने 2 किलोमीटर रेस करी है, विश्वास है हम पे कर सकते हैं। वैसे कर भी आ सकते, मतलब नानी को हम पे भरोसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कह रहे कि हाँ भी तुम पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। जब मेरे पे तो होगा ना, मैं तो उठता हूँ ना सुबह सुबह, जीतू पे तो नहीं होगा, है ना। नहीं क्या कर रहे सुबह सुबह? काम कर रही हूँ कुछ। हमारी अभी गुड मॉर्निंग भी नहीं हुई है और नानी अपने काम पे लग गई है। में लग रही है जब विष्णु फोन कर रहा हूँ सो जाओ। अरे वैसे ही बैठे हम थोड़ी देर से, अरे नीचे ना बैठे हम। ये न्यू जनरेशन है नानी, नई जनरेशन मतलब नए बालक है। हम तो चाहिए हाँ, नए तो बालक है पर अपने काम में भी तो देखे, काम वाम करके बैठे, काम करके भी ना बैठे हो जीतू। तो अब कार की सवारी करने के लिए तैयार, अब हम जा रहे हैं दुकान का सामान लेने के लिए। गुड मॉर्निंग तो हो गई है जितनी होनी थी, घूम फिर भी आए। चलो भाई चलो, नानी आपको घुमा लाएंगे। घूमने छोड़ो जा रहे हो तुम? कोई ना, आप भी तो देखो हम कितना मेहनत करते हैं दुकान के लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ कमाओ जुगते कमाओ दुकान के लिए, मेहनत तो कर रहे हो अभी तो कुछ कमी है ना बैठनी जगह। अरे ये चीज अपने लाडले से पूछो। हाँ इतनी कमाओ इतनी और दुगनों खर्च लगे। तो भाई नानी कहते तुम कुछ बचा नहीं रहे, कमा रहे हो लेकिन बचा नहीं रहे। अब बचाने की कोशिश पूरी करेंगे, देखेंगे कितना बचता है हमसे। यार डेली उतना ही सामान आ जाता है, क्या बचाए बताओ। अभी नई दुकान है तो इसलिए कुछ नहीं बचा। तो भाई अब निकल गए हैं अपनी सवारी लेके दंगलों, अब जा रहे हैं सामान लेने के लिए कुछ। तो भाई शिवा ने ये कहा था 5 बजे रेडी रहना, नु कहता 4 बजे रेडी रहना। 4 बजे से अब कितने हैं, 7 बज गए ना। तो भाई 7:11 हो गए हैं, ये कह रहा था कि 4 बजे रेडी रहना, और अब 7:11 हो गए, लेकिन वो अब तक नहीं उठा, पता नहीं भगवान जाने कैसे। और हमसे बोलता है कि हाँ भाई जल्दी उठा करो, तुम उठते नहीं हो, हम बहाने बनाते हैं, ऐसा सोचता है वो। लेकिन हम बहाने नहीं बनाते, बनाता वो है। कुछ करने की कोशिश करो तो ये करने नहीं देते। हाँ यार जिंदगी में गाड़ी के पीछे भी गाड़ी आ रही है, ठीक है, और गाड़ी के आगे भी गाड़ी जा रही है, बताओ कितनी गाड़ी जा रही है। नहीं जी आप सुबह सुबह कैसे जग गए आज? भाई ये उठता है करेक्ट 12 बजे, 3:30। ब्लॉग में भी देखा होगा आपने। भाई झूठ बोला, 3:30 बजे सुबह डेली रेस करने जाता हूँ जी, जा भाई रेस करने। हाँ वो अगले महीना इसकी है ट्रेनिंग वगैरह है, अब तो बोल सकते हैं। तो कहाँ की कहाँ जा रही सवारी? सवारी सम्मान की खुद जिम्मेदार है। अब सन्नी भाई हमारे फौज में भर्ती होने जा रहे हैं, अभी बनेंगे फौजी। क्या करें भाई, चल ठीक है। पापी पेट का सवाल है, दूध तो रहना पड़ेगा ना। पापी पेट का सवाल है भाई, हमारा भी पेट है लेकिन क्या करें भाई, तेरे पेट में मुझे नाज है। भाई आप तो अपना पेट पार लोगे, मेरा क्या होगा? जी जरूर, इतने रुपया तो तुम ऐसे फूक दे। तो मतलब ये इसलिए लटक रहा है क्योंकि इस पे वेट ज्यादा। अभी इसमें वेट करवाएगा इसका, ठीक है।
यहाँ पे वेट करवाएगा तो इसका वेट निकलेगा ज्यादा, और ज्यादा निकलेगा तो भाई बनेंगे पैसे क्योंकि ओवर वेट ले जाते हैं। सही बात है, वैसे तो कहते हैं कि ओवर वेट मत ले जाओ टूल वाले, लेकिन नहीं मानते, तो इनसे पैसे वसूलने तो है ही, अब क्या करें, वैसे नहीं मान रहे, वैसे मानो भाई तो यहाँ पे पैसे दे के जाते हैं फिर, इसलिए वो बेचारा वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। जब हम वहाँ पे गए थे क्या कहते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पे भी मतलब जी तो ऐसे ही लेटा था, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं, इसका बस यही ये आता है गाड़ी में लंबा लौट जाता है, इससे ज़्यादा गाड़ी ड्राइव ही नहीं होती है, बस थोड़ी देर इससे बस ये है कि हाँ भी अपना भगाते रहो, भगाने का फुल शौकीन है, फ्लाइंग कार बनाता है हर चीज़ को, इसने जब अपनी कार ली थी उसे भी फ्लाइंग कार ही बनाई थी इसने। इस साइड में ये है कि यहाँ भी हरियाणा साइड में आपको ट्रैफिक नहीं मिलता ज़्यादा, रोड खाली मिलती है सारी के सारी, दिल्ली साइड में अगर आप जाओगे तो उस साइड में भाई ट्रैफिक इधर उधर जाने आने का भी मन नहीं करता, ना मज़ा आता है, यहाँ पे तो अपना चुप चलते रहो, कोई सुनिए कहीं भी कितने भी लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो। अब ले लिया है हमने सामान यहाँ से, मतलब यहाँ से उठाते हैं हम सारा सामान, पिज़्ज़ा बर्गर बाकी यार जैम, जैम बर्गर भी ले लिया है, जीतू खाएगा जीतू तो आज देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे छोटा बालक हो, भूख लग रही थी इससे कह रहा हूँ कुछ खिला दे खिला दे, खिला नहीं रहा, मैं बरेटी खा लें, क्यों ना खवाएगा सारे में बेच दी इसकी पहले ना ये वैसे रहता था थोड़ी देहाती स्टाइल में, अब से 3-4 साल पहले 5 साल पहले की बात है, मैं आया इसकी कटिंग कर दी मैंने, मैं फोटो घेरूंगा उसे कटिंग करके एकदम, भाई सारे देखते रह गए। आज भी मेरी चॉइस से करवाई इसने कटिंग, ये कैसा लग रहा मलूक सो गजब बेइज्जती एक तो गोरा सा है ऊपर से कटिंग भी मलूक तो है पागल। ये यादें अब शादी के बाद याद आएंगी कि हाँ भाई हमने ये भी करा वो भी करा, बाकी कांड तो इसके साथ बहुत करे करूंगा ऐसे भी दिन थे हमारे, तुम्हें जिंदगी में सही कार मांगेगी वीडियो देखूंगा ऐसी, मैं ऐसे मजे लेता था और तू ऐसे जिंदगी में आ गई मेरी काली माता की, मतलब अपने बीवी को ऐसे बोले बेटे वीडियो देखेगी तेरे बट्टा की तो रुक जा, काला माथा तो तेरा करेगी तवा मारेगी तेरे माथे पे पूरा काला कर देगी। अभी मेरे को देखता हूँ क्या खिलाता बढ़िया सा स्पेशल बीकानेर पे, बीकानेर वो भाई भाई बीकानेर पे ले जा रहा है बीकानेर पे, तो भाई बीकानेर के खाते हैं कुछ चीज, अब मिलते हैं आपको। अब थोड़ी देर हम डोलने के बाद सामान वगैरह तो सारा खरीद लिया, पिज्जा का बेस वगैरह बर्गर वगैरह, अब बिरयानी लाए जीतू ताकि हैदराबाद क्या नाम है ये चिकन बिरयानी नहीं खाता यार, चिकन वगैरह नहीं खाता है, मांस मदिरा कुछ नहीं, मदिरा तो हम भी नहीं करते लेकिन मांस खाते हैं ये। तो भाई अब करते हैं हम बिरयानी की शुरुआत, बाकी बहुत टेस्टी लग रही है, शिवा हर भेज ग्रुप में भेजो ग्रुप में, एक नंबर भाई कैसे बात करते रहोगे तीन
खट्टे मीठे नमकीन तीनों फ्लेवर आ रहे हैं, एक नंबर बना रखे भाई। आजकल वैसे स्ट्रीट फूड का ही ट्रेंड आ रहा है, लोग रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं लेकिन वो नहीं कह रहा, लेकिन स्ट्रीट फूड में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आज के टाइम पर।